Hello friends, welcome to Landfill. This is the second part of current affairs of Tripura and Northeast. The first point is, renowned Sanskrit scholar and singer of Assam, Ranjan Besbarua, has been invited to perform at the regional Vedic conference to be held at Tripura University from September 20. Mr. Besbarua ne बहुत सारी आसामीज हिंदी और बंगाली गाने को संस्कृत में ट्रांसलेट किया है और गाया भी है, तो उनको बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव इनॉग्रेटेड टू सेल्फी पॉइंट्स, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 15 सितंबर 2019। जो पहला सेल्फी पॉइंट है वो उज्जैन पैलेस में है और दूसरा है हेरिटेज पार्क में। जो उज्जैन पैलेस में है उसके सामने जो साइन लगाया गया है वो है आई लव अगरतला, और हेरिटेज पार्क में जो लगाया गया है वो है आई लव त्रिपुरा। ये टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने के लिए किया है, एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट, द सेवेंथ एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इज स्लेटेड टू बी फॉर्म November 8, 2019 एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन न्यू दिल्ली। ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें जो विजिटर्स है उन लोगों को एक मौका मिलेगा इस वर्कशॉप में कि डिफरेंट एथनिक जो लैंग्वेजेस है नॉर्थ ईस्ट के वो सब इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दैट हैव बीन अकॉर्डेड स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371 आर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द स्पेशल स्टेटस एम्स टू प्रिजर्व देयर ट्राइबल कल्चर। अभी आर्टिकल 371 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हाल ही में न्यूज़ में आया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेटेड किया गया था, मतलब हटाया गया उसको, और दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, एक था लद्दाख और एक है जम्मू एंड कश्मीर। अभी आर्टिकल 371 के अंदर और भी सब डिविजन है, जैसे आर्टिकल 371A को नागालैंड के लिए है, उसमें क्या है, इसके तहत कहा गया है कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू द स्टेटस ऑफ नागालैंड इंडिविजुअली, मतलब नागालैंड के जो नेटिव लोग हैं उन लोगों का जो रिलीजियस है सोशल जो प्रैक्टिस है उसको बंद नहीं कर सकते, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल 371 पार्ट ए को लगाया गया है। उसी तरह आर्टिकल 371 जी अप्लाई होता है मिजोरम में, 371 बी अप्लाई होता है असम में, 371 सी मणिपुर में, 371 एफ सिक्किम में, 371 एच अरुणाचल प्रदेश में, 371 डी और ई आंध्र प्रदेश में, 371 जे कर्नाटक में, 371 आई गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2019 टू 9 टीचर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो 9 जो शिक्षक है उन लोगों को दिया गया है टीचर्स अवार्ड 2019। आप देख सकते हो उनमें से एक है अनामिका दब्रमा, शी इज फ्रॉम त्रिपुरा। उनको क्यों दिया गया ये अवार्ड? कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है एडुकेशन में, जैसे विद्यालय चलो अभियान किया है, उसके बाद एडमिशन फेयर उन्होंने कंडक्ट किया है ताकि जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं है उन लोगों को एक ओपन मौका मिल सके एडमिशन के लिए, वोकेशनल क्लास लिया है उन लोगों उन्होंने, ये सब के लिए उन लोग उनको
टीचर से अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एज्यूम द चार्ज ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांडर। आप पिक्चर में देख सकते हो अनिल चौहान जी का पिक्चर है। तो नेक्स्ट, ईस्टर्न आर्मी कमांड कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट, BCIMEC एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार होके गुजरता है, और इसके लिए एक समिट भी हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट ने वुहान में एक समिट किया था, उसमें ये सब डिस्कस हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है BCIM, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? वो इंडिया की कोलकाता से होके दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छू के गुजरता है और वो म्यांमार होके अल्टीमेटली वो कनमिंग जाके मिलता है। जैसे सीपेक है जो चीन से पाकिस्तान होके गवादर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, वहां जाके मिलता है। $40 बिलियन इन्वेस्ट भी किया है चीन ने, हालांकि वो इंडिया के पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, उसके उसको होके गुजरता है। तो ऐसे ही एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार को होके गुजरता है। ये नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट्स में होके गुजरने वाला है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और आसाम। त्रिपुरा शायद इसमें नहीं आएगा, अगर आते हैं तो अच्छा है, डेवलपमेंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है गुवाहाटी टू होस्ट 2022 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच बिटवीन इंडिया एंड ओमान ऑन September 5th, 2022 फीफा वर्ल्ड कप का लुक होने का वाला है, वो कतर में होने वाला है, वो 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक 2022। टोटल टीम पार्टिसिपेट करने वाला है 32। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2018 का लोकेशन कहाँ था, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था 2018 में? हर चार साल बाद होता है ना, तो वो रूसिया में हुआ था और चैंपियन हुआ था फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट, 6 कॉर्प्स फ्रॉम 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बैक द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन 2019। मणिपुर से 2 है, मेघालय से 2 है, मिजोरम से 1 और त्रिपुरा से 1 है। जितेंद्र देव वर्मा वो है कमांडेंट ऑफ बैटालियन एट हुआई। मणिपुर से 2 है, आप नाम याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा पुलिस क्रिएटेड ए न्यू यूनिट कॉल्ड बीट पेट्रोलिंग ऑन August 13th व्हिच कंडक्टेड व्हिच इंक्लूडेड 261 मोटरसाइकिल्स टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव उसका फ्लैग ऑफ किया था विवेकानंद स्टेडियम से। नेक्स्ट पॉइंट, द 7th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ द कंट्री किक्ड ऑफ फ्रॉम त्रिपुरा ऑन 29th जुलाई 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7th इकोनॉमिक सेंसस त्रिपुरा से होने जा रहा है और धीरे धीरे बाकी इंडिया के जो बाकी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज है उसमें भी लागू होगा। ये इकोनॉमिक जो सेंसस है वो थोड़ा डिफरेंस है जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होता है। लास्ट हुआ था 2011 में, वो था 15th सेंसस, और नेक्स्ट होगा 2021 में, मतलब 10 साल के बाद होगा। पर जो इकोनॉमिक सेंसस है वो हर 5 साल के बाद होता है। इसमें क्या होता है कि नेशनल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश किया जाता है। पहली बार हुआ था 1977 में और इसको प्लान किया गया था 1976। नेक्स्ट पॉइंट,
Justice Akil Qureshi. He became the new Chief Justice of Tripura High Court on September 20, 2019. उन्होंने replace किया है संजय कैरोल को. Thank you guys. आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये information काफी important रहा होगा और ज़्यादा और ऐसे ही current affairs पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो जिसको अभी पता नहीं है और काफ़ी किताब न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, तो एक साथ इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसलिए आशा करता हूँ कि ये काफ़ी